यूरोपीय देश स्पेन के जंगलों में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार एस्टेपोना के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। पिछले दो दिनों से लगी इस आग में जहां 22,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, वहीं रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच गई है। इस आगजनी की वजह से आसपास के इलाकों में जहां धुआं भर गया है, वहीं आग की ऊंची-ऊंची लपटें भी उठ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जंगलों के पास मौजूद रिहायशी इलाकों को खाली करवा लिया गया है, साथ ही करीब 1,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पर्यटकों को भी जंगलों से दूर रहने को कहा गया है। आपातकालीन सेवाओं ने बताया है कि बुधवार रात को लगी आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ साथ 300 से ज्यादा दमकल कर्मियों को लगाया गया है। साथ ही आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे एक फायर फाइटर की मौत भी हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। तेज हवाओं और भयंकर गर्मी की वजह से आग फैलती ही जा रही है। एहतियात के तौर पर जंगलों के पास से गुजर रहे हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। जंगलों में इतने बड़े पैमाने पर आग कैसे लगी अभी पता नहीं चल पाया है।